क्या आपको बनना है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, पुलिस के साथ काम करना है, क्या पढ़े, कहाँ से स्टार्ट करें, अरे काम कहाँ से सीखेंगे इसका? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तपन कुमार जी, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं मेरी इस वीडियो में, जिसमें आज बात करने वाला हूं कि हाउ टू बिकम अ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। हमारे एक सब्सक्राइबर ने नईम मोहम्मद ने एक कमेंट करा था हमारी वीडियो के ऊपर कि उनको जानना है कि कैसे बने आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर। सो उनके लिए हमने ये वीडियो डेडिकेट करी है, और अगर आपके डाउट है तो आप कमेंट में डालेंगे तो आपके ऊपर वीडियो बने। तो आज जानेंगे वो पांच चीज जिसके थ्रू आप बन सकते हैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर और बना सकते हैं अपना करियर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कैसे बनेंगे आप हमारी तरह। सब्सक्राइब कीजिए हैकर ब्लॉग चैनल को और बेल आइकन दबा के सबसे पहले देखिए हमारी वीडियो को। तो पहले नंबर पे जो आ रहा है वो है स्टडी की। भाई अगर मुझे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जाना है या फिर साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बनना है तो उस कंडीशन में स्टडी करने के लिए क्या क्या ऑप्शन है आपके पास? मैंने काफी सारे लोगों से इंटरेक्ट करा है, काफी सारे पुलिसमैन से भी मैं जानता हूं, उनसे भी मैंने कई बार बात करी, तो वो पूछते हैं यार स्टडी कहाँ करें इस चीज के लिए, और हम जो क्या स्टडी करते हैं वो क्या हम रियल टाइम में इंप्लीमेंट कर पाते हैं, कौन कौन सेक्टर ऐसे, काफी चीज उनके माइंड में रहता है। तो स्टडी के लिए बहुत बताऊं मैं आपको, तो चैलेंजेस मिलेगा इंडिया के अंदर, स्टडी आपको कहीं ढंग से नहीं मिल पाई, कोई ऐसा डिग्री डिप्लोमा नहीं है जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको पूरा काम कराए। हमारा चलाते हैं हम लोग इन्वेस्टिगेशन का डिप्लोमा जिसके थ्रू आप चीज समझ सकते हैं या फिर आप उसमें भी काम कर सकते हैं, पर इंडिया के अंदर ऐसे कोई ऑथराइज्ड कोई यूनिवर्सिटी नहीं है जिसने अपना एक प्रैक्टिकल डिप्लोमा बनाया हुआ हो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के ऊपर। ऐसे काफी सारे थ्योरेटिकल डिप्लोमा मिल जाएंगे पर प्रैक्टिकल डिप्लोमा कहीं पे भी इंडिया के अंदर नहीं है। सेकंड चीज सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है सर्टिफिकेशन। अगर आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जाना है तो उस कंडीशन में सर्टिफिकेशन आपको कौन सा निकालना पड़ेगा जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी के अंदर जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन में काम करती है उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से जो बेस्ट है वो है CHFI, कंप्यूटर हैकिंग फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। इसको मैं पिछले 11 साल से पढ़ा रहा हूं, काफी सारे स्टूडेंट को मैंने पढ़ाया भी CHFI। उसके अंदर हम लोग काफी सारी चीजें डील करते हैं। बेसिकली ये कोर्स जो है ये US का कोर्स है और हम जो भी पढ़ाई करते हैं वो US के स्टैंडर्ड के हिसाब से करते हैं, मतलब उनका ही लॉ पढ़ते हैं, उनकी टेक्निक पढ़ते हैं, वो कैसे इन्वेस्टिगेट करते हैं ये भी हम उन्हीं का पढ़ते हैं। सो बेसिकली FBI जो इन्वेस्टिगेशन करती है वो पूरा हम CHFI के अंदर कवर करते हैं। सो अगर आप सर्टिफिकेशन निकालना चाह रहे हैं तो CHFI का सर्टिफिकेट अगर आप ले लेंगे इसकी ट्रेनिंग लेने के बाद तो ये आपको इस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर काफी बेनिफिशियल होगा। थर्ड नंबर पे जो है वो स्किल सेट की। भाई अगर मैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बन रहा हूं तो मेरे को कौन सी स्किल सेट आनी चाहिए? मैंने देखा कई बार जो लॉयर्स होते हैं वो भी चाहते हैं कि मैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर में जाऊं, या फिर लीगल एडवाइजर होते हैं वो भी चाहते हैं कि मैं साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर में जाऊं, पर एक्चुअल में आपको आप किस तरीके से जा पाएंगे साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्किल्स जो होती है वो होती है साइबर सिक्योरिटी। अगर आपने साइबर सिक्योरिटी के अंदर आपका हैंड्स ऑन नहीं है, आपको नहीं पता साइबर सिक्योरिटी के बारे में, एक हैकर कैसे एक वेबसाइट को हैक करेगा, कैसे नेटवर्क को हैक करेगा, कैसे अटैक करेगा, कैसे सोशल अकाउंट को टेक ओवर करेगा, जब तक कि आपको वो टेक्निक नहीं आती उससे पहले आप एविडेंस गैदर नहीं कर पाओगे। ये वैसे ही जैसे पुलिस जब किसी चोर को पकड़ती है तो पहले सोचती है चोर की तरह, तभी जाके पकड़ सकती है, क्योंकि उसी के हिसाब से वो एविडेंस निकालती है। ऐसे ही साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में भी होता है कि साइबर सिक्योरिटी का अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाओगे। थोड़ा बहुत तो सभी कर लेते हैं बॉस, पर अच्छे से अगर आपको जाना है, जैसे अभी हम लोग काफी सारे कॉम्प्लेक्स केसेस को सॉल्व कर पाते हैं जिसके अंदर IT भी इन्वॉल्व होता है, काफी सारे क्रिमिनल केसेस ऐसे बड़े बड़े साइबर क्राइम हम लोग क्रैक कर पाते हैं। उसका रीजन ये क्योंकि हम लोग भी खुद एथिकल हैकर हैं, हमें पता होता है कि वो कौन सी टेक्निक यूज करने वाला है इस चीज को करने के लिए, तो वहां से हम लोग एविडेंस गैदर करते हैं और उसके बाद उसको प्रेजेंट करते हैं। सो साइबर सिक्योरिटी स्किल्स होना बहुत जरूरी होता है अगर आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जाना चाहते हैं। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है फोर्थ नंबर पर जो आ रहा है वो एक्सपीरियंस। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर सो उस कंडीशन में आपको कंपनी शायद ही लेगी, क्योंकि यहां पर क्या होता है कि आप रियल टाइम केसेस पे काम करते हो, वहां पर अगर आपने एविडेंस प्रॉपरली हैंडल नहीं करे तो चोर जो है वो आराम से छूट जाएगा, स्कैमर छूट जाएगा आराम से, क्योंकि आपने आपकी गलती की वजह से। इसलिए कंपनी जो होती है वो फ्रेशर को चांस नहीं देती है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, क्योंकि उनको साइट पे जाना पड़ता है, एविडेंस लेने पड़ते हैं, और उसने हल्का सा भी गलत करा तो भाई लीगल लायबिलिटी सारा उनके ऊपर आता है। इसलिए एक्सपीरियंस आपको निकालना जरूरी होता है। इसके लिए आप किसी भी जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई कंपनी काम कर रही है तो इंटर्नशिप आप वहां पे जाकर कर लो। अगर आपने इंटर्नशिप कर रखा है साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर तो आपको काफी अच्छी नॉलेज हो जाती है, और आपको इंटर्नशिप अगर लेनी है इसके अंदर तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारी भी एक कंपनी है जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिफ्थ नंबर पे जो आ रहा है वो है लीगल। अगर आपको लीगली की चीजें पता नहीं है भाई लीगल तौर पे ये चीज कैसे प्रेजेंट करनी, लीगल तौर पे इसको कैसे हैंडल करना है, सो उस कंडीशन के अंदर आप साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर तो लेंगे पर आप
ढंग से उसको प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा आपको कि आपको लीगल भी थोड़ा सा पता होना चाहिए। उसके लिए रिद्धि काफी सारी वीडियोस बनाती है साइबर लॉ के ऊपर, आप उसको जाके गो थ्रू करें तो आपको आइडिया लग जाएगा कि भाई अगर मैं साइबर लॉ में जाना है, क्योंकि लीगल एडवाइजर होना जरूरी है तभी आप क्राइम इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम लोग किसी केस में डील कर रहे हैं, हमें अगर पता ही नहीं है उसके बारे में, लीगली ये चीज प्रूव भी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, उस कंडीशन में सारा काम करने के बाद कुछ नहीं होता बॉस, आदमी छूट जाता है और हमारे एविडेंस धरे धरे जाते हैं। सो इसलिए लीगली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लीगल तौर पे चीजों को प्रेजेंट करना आना चाहिए, लीगल तौर पे कौन सी धारा लगनी चाहिए, उसके अंदर क्या पेनल्टी सेट होनी चाहिए, किस टाइप के क्राइम के अंदर कौन सी धारा लगती है, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। उसके लिए रिद्धि की एक वीडियो आप आई बटन पे देख सकते हैं, यहाँ पे साइबर लॉ के लिए दे रखी है। सो वहां पे जाके अभी आप चेक कर सकते हैं कि साइबर लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्राइम इन्वेस्टिगेशन के अंदर। सो ये पांच चीजें मैंने आज कवर करी कि ना भाई अगर आपको साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में जाना है, हमारी तरह साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बनना है, तो उस कंडीशन में आपको ये पांच चीजों पर काम करने की बहुत जरूरत है। एक्सपीरियंस आपका अच्छा होगा तो डेफिनेटली आपको अच्छे लोग काम देंगे आपको। सो ये वीडियो हमने बनाई थी हमारे एक यूजर के बोलने पे, नई मोहम्मद उनका नाम है, उन्होंने हमें कमेंट करा था। अगर आपके पास भी कोई ऐसे क्वेश्चंस है जो आप चाहते हैं कि इस पे आपका तपन भाई उस पे वीडियो बनाए, सो प्लीज कमेंट पे डालें अपने क्वेश्चन को और मैं उसके ऊपर बनाऊंगा वीडियो। सो वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करके बताएं कैसी लगी वीडियो। इस वीडियो इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।